राजस्थान का वो नेता जिसने 550 से ज्यादा आंदोलन किए, प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनाने में सबसे ज्यादा पसीना बहाया, लेकिन जब मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री में नाम नहीं आया तो पूरा सूबा हैरान था। मीणा ने फिर भी धैर्य रखा, पीणा को पी गए तो अब मंत्रिमंडल की शपथ में सबसे पहले उनको ही शपथ दिलाकर बीजेपी ने यह साफ संदेश दे दिया कि पार्टी और मोदी शाह की नजर में उनकी कोई कद्र में कमी नहीं आई है। मैं किरोड़ी लाल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा। मैं राजस्थान के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्य का श्रद्धा पूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुवाद या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं किरोड़ी लाल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय राजस्थान राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। जय हिंद। किरोड़ी लाल मीणा का जन्म 3 नवंबर 1951 में दौसा में हवा तहसील खोरा मुल्ला में हुआ। इनके पिता का नाम मनोहर लाल मीणा और माता का नाम फूला देवी है। किरोड़ी लाल एक किसान परिवार के बेटे हैं। इन्होंने अपनी 12वीं तक की पढ़ाई सरकारी स्कूल से की, उसके बाद सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज बीकानेर से MBBS पूरा किया। गरीब परिवार के होने की वजह से MBBS करने के लिए किरोड़ी लाल को अपनी माँ के गहने बेचने पड़े थे। कॉलेज के समय में राजनीति में दिलचस्पी बढ़ने लगी तो किरोड़ी लाल ने डॉक्टरी छोड़कर राजनीति में कदम बढ़ाया। किरोड़ी लाल ने पहली बार 1980 में महवा सीट से चुनाव लड़ा और हार भी गए। उसके बाद साल 1995 में महवा विधानसभा सीट से चुनाव लड़कर विधायक बने। उसके बाद 1998 में राजस्थान के बामनवास विधानसभा सीट से विधायक चुने गए। फिर साल 2003 में सवाई माधोपुर विधानसभा से विधायक बने। उसके बाद साल 2009 में सवाई माधोपुर सीट से लोकसभा सांसद बने और 2013 में लालसोट विधानसभा सीट से विधायक निर्वाचित हुए। इतना ही नहीं बल्कि जब 2008 में जनता के बीच उनकी राजनीतिक पकड़ बन ही रही थी तो वसुंधरा राजे से उनका राजनीतिक रिश्ते में खटास आ गई तो इन्हें बीजेपी से निष्कासित कर दिया गया। बाद में वे PS संगमा की पार्टी नेशनल पीपुल्स पार्टी की हिस्सा बन गए। राजस्थान में हुए 2013 के चुनाव में उन्होंने 150 उम्मीदवार खड़े किए थे मगर उनमें से केवल 4 ही जीत पाए। और साल 2018 में जब राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनी तो किरोड़ी लाल को पार्टी ने राज्यसभा सांसद बना दिया। किरोड़ी लाल ने 550 से भी ज्यादा आंदोलन किए और 14 बार जेल भी जा चुके हैं, साथ ही 30 बार गिरफ्तार हो चुके हैं। दलित समाज से होने के बावजूद 70% आंदोलन जनरल और OBC समाज के लिए किए हैं। इसी वजह से 36 कौम का नेता भी कहा जाता है। चीफ ऑफ मीणा हाईकोर्ट अब राजस्थान सरकार में एक बड़े महकमे के चीफ। ब्यूरो रिपोर्ट, पॉलिटिकल पंचायत।